तो अब देखते हैं कि शीयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को एनालाइज करने का किसी बीम में क्या प्रोसीजर है। सो लेट्स डाइव इनटू दिस लेक्चर। तो सबसे पहले किसी स्ट्रक्चर के अंदर हमें सपोर्ट्स पे रिएक्शन फाइंड आउट करने होते हैं। सिंस जो स्ट्रक्चर्स हम एनालाइज करेंगे वो ऑलरेडी डिटर्मिनेट होंगे, तो उनकी डिटर्मिनेसी चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वो ऑलरेडी डिटर्मिनेट हैं तो उनको एनालाइज करने के लिए हमारे पास तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशंस का होना बहुत ज़रूरी है 2D एनालिसिस के लिए। और वो तीन इक्वेशंस होती हैं, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन शुड बी जीरो, फोर्स इन वाई डायरेक्शन शुड बी जीरो, एंड मूवमेंट अराउंड जेड एक्सिस शुड बी जीरो। और अगर वो स्ट्रक्चर इनडिटर्मिनेट है तो हम एडिशनल कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस का यूज़ करके उसको फाइंड आउट करते हैं। सपोर्ट्स पे रिएक्शन फाइंड आउट करने के बाद हमें उस स्ट्रक्चर के इंटरनल रिएक्शंस को फाइंड आउट करना होता है, और वो इंटरनल रिएक्शंस उस स्ट्रक्चर के फ्री बॉडी इक्विलिब्रियम का यूज़ करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और वो फ्री बॉडी इक्विलिब्रियम फिर चाहे राइट हैंड साइड का हो उस सेक्शन के, या उस सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड का हो। इस लाइन का क्या मतलब है, हम एक क्वेश्चन करेंगे, उससे आपको सब पता चल जाएगा कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का क्या मतलब है। किसी भी सेक्शन पे तीन पॉसिबल इंटरनल रिएक्शंस लग सकते हैं। एक होता है एक्सियल थ्रस्ट, एक होता है बेंडिंग मोमेंट, एक होता है शीयर फोर्स। और स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस का यूज़ करके हम तीनों को ही फाइंड आउट कर सकते हैं। उस बीम के इंटरनल रिएक्शंस फाइंड आउट करने के बाद हमें उसका डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है, एक्सियल थ्रस्ट का, शीयर फोर्स का और बेंडिंग मोमेंट का, और उनमें जो वेरिएशंस हैं वो हमें दिखानी होती है। और उस वेरिएशन से हमें ये पता चलता है कि मैक्सिमम स्ट्रेस या मैक्सिमम रिएक्शंस कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिससे कि फिर हम उस बीम को सेफ्टी के लिए चेक कर सकें। तो बातें हो गई बहुत ज़्यादा, अब देखते हैं एक क्वेश्चन। नाउ अब इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके एंड्स हैं ए बी और एक सेंटर है सी, जिस पे 1000 न्यूटन का लोड लग रहा है। एंड 1000 न्यूटन मीन्स 1 किलो न्यूटन। नाउ अब मुझे फाइंड आउट करना है कि इसकी एसी लेंथ में कितना शेयर फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है। उसको फाइंड आउट करने के लिए मुझे एक सेक्शन ड्रॉ करना पड़ेगा जिसको मैं नाम दूंगा एक्स एक्स। नाउ जो शेयर फोर्स होती है वो होती है सम ऑफ ट्रांसवर्स फोर्सेस आइदर टू द लेफ्ट और टू द राइट ऑफ द सेक्शन। अब इस एक्स एक्स सेक्शन पे अगर लेफ्ट हैंड साइड देखें तो एक रिएक्शन लग रहा है आर ए सिर्फ, और अगर राइट हैंड साइड देखें तो दो रिएक्शंस लग रहे हैं। एक लग रहा है लोड 1000 न्यूटन का, और एक लग रहा है रिएक्शन आर बी अपवर्ड डायरेक्शन में। तो हम कोई भी साइड चूज़ कर सकते हैं, या तो लेफ्ट वाली या राइट वाली, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इस एक्स एक्स सेक्शन पे कितना शेयर फोर्स आ रहा है। अब मुझे आर ए और आर बी तो पता नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि जो 1000 न्यूटन का लोड है वो सेंटर पे लग रहा है। अगर सेंटर पे लग रहा है तो जो उसके एंड्स हैं उस पे इक्वली डिवाइड हो जाएगा, इट मीन्स आर ए भी 500 हो जाएगा और आर बी भी 500 हो जाएगा। अब जैसा कि मैंने बताया कि जो एक्स एक्स सेक्शन पे सिर्फ या तो लेफ्ट हैंड साइड वाले फोर्सेस देख सकते हैं या राइट हैंड वाली फोर्सेस का सम, तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो एक 500 न्यूटन का अपवर्ड रिएक्शन लग रहा है, जो कि मुझे बताता है कि एक्स एक्स सेक्शन पे 500 न्यूटन की फोर्स लग रही है। अगर मैं इसको राइट हैंड साइड से वेरीफाई करूँ तो 1000 न्यूटन, और उसके अपोजिट जो लग रहा है रिएक्शन आर बी, अगर मैं 1000 में से 500 को माइनस करूँ तो क्या आंसर आता है, 500। इट मीन्स एक्स एक्स सेक्शन पे 500 न्यूटन की शेयर फोर्स लग रही है। लेकिन यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं होती। अब मैंने यहाँ पे 500 नेगेटिव क्यों नहीं लिया या पॉजिटिव क्यों लिया, इसको फाइंड आउट करने का बहुत ही आसान तरीका है। अगर मैं इस एक्स एक्स सेक्शन पे एक क्लॉकवाइज सर्कल को रोटेट करूँ, और चूंकि हमें या तो लेफ्ट हैंड साइड वाली फोर्सेज देखनी है या राइट हैंड साइड वाली फोर्सेज देखनी है, अगर कोई फोर्स उस क्लॉकवाइज सर्कल की डायरेक्शन में लग रही है तो वो पॉजिटिव होगी आइदर टू द लेफ्ट और टू द राइट, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रही है तो वो नेगेटिव होगी। इट मीन्स अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूँ, उस एक्स एक्स सेक्शन पे जो आर ए फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, इसका मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रही है, तो वो पॉजिटिव होगी। इसका मतलब ए और सी के बीच में जो शेयर फोर्स है वो 500 न्यूटन का पॉजिटिव होगा। सिमिलरली वेरीफाई करने के लिए अगर मैं राइट हैंड साइड पे देखूं, तो जो 1000 न्यूटन की फोर्स है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रही है, और जो आर बी रिएक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो 1000 माइनस 500 जो एंटी क्लॉकवाइज है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 1000 माइनस 500 विल बी इक्वल टू 500 न्यूटन। तो अब तक इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे एक स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं और कैसे शीयर फोर्स के साइन कन्वेंशन को फाइंड आउट किया जाता है। अब देखते हैं बेंडिंग मोमेंट के साइन कन्वेंशन को। अगर हमारे स्ट्रक्चर में सैगिंग मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है तो वो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट कहलाएगा। अगर हमारे स्ट्रक्चर में हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है तो वो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट कहलाएगा। इसका मतलब अगर फाइनल रिजल्ट्स में बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो वो सैगिंग मोमेंट है, और अगर नेगेटिव आती है तो वो हॉगिंग मोमेंट है।
Now let's take another example to see how we solve the support reactions. तो इस question में हमें एक simply supported beam दी हुई है जिस पे तीन point load लग रहे हैं C, D और E points पे, और हमें supports A और B पे reactions find out करने हैं कि A और B पे जो reactions हैं उनकी क्या value होगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे जो supports हैं वो किस तरीके के हैं। तो जो A support है वो है pin support जिस पे केवल vertical और horizontal reaction लगेगा, और जो B support है वो है roller support जिस पे केवल vertical reaction लगेगा। सो नेम दे देते हैं कि आर ए और आर बी हमारे वर्टिकल रिएक्शंस हैं ए और बी सपोर्ट्स पे, और एच ए जो है हमारा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है ए सपोर्ट पे। नाउ हम हमेशा से बात करते आ रहे हैं इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम की, और अब उनको यूज़ करने का समय आ गया है। तो वो जो तीन इक्वेशंस हैं वो हैं सम ऑफ फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन शुड बी जीरो, सम ऑफ फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन शुड बी जीरो, एंड मोमेंट अराउंड जेड एक्सिस शुड बी जीरो। अब एक्स एक्सिस पे तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस लगेंगे, और हमें पता है कि इस बीम पे कोई एक्सटर्नल लोड नहीं लग रहा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो जो एच ए की वैल्यू है वो ऑलरेडी ज़ीरो होगी। इसका मतलब अगर कोई हॉरिजॉन्टल लोड लग ही नहीं रहा तो रिएक्शन कैसे प्रोड्यूस होगा। नाउ लेट्स सॉल्व ऑल द वर्टिकल फोर्सेज। सो सम ऑफ फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन शुड बी ज़ीरो। अब देखते हैं वाई डायरेक्शन में कितनी फोर्सेज लग रही हैं। एक तो तीन पॉइंट लोड सी डी और ई पॉइंट्स पे जो कि डाउनवर्ड लोड लगा रहे हैं, और दो वर्टिकल अपवर्ड रिएक्शंस ए और बी सपोर्ट पे। इट मींस जितना भी लोड लग रहा है उस बीम पे वो इक्वल होगा आर ए और आर बी के सम के। सो आर ए प्लस आर बी विल बी इक्वल टू 70 प्लस 100 प्लस 50, दैट इज आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू 220 किलो न्यूटन। लेकिन सिर्फ ये ही इक्वेशन काफ़ी नहीं है आर ए और आर बी सपोर्ट रिएक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए, हमें एक और इक्वेशन की ज़रूरत है जिससे हम आर ए और आर बी फाइंड आउट कर सकेंगे। Now let's talk about our third equilibrium equation, that is moment around z-axis should be zero. अब हमें पता है कि support A और B पे जो rotational moment है वो zero होता है, क्योंकि इन supports पे rotational reactions तो produce होते ही नहीं हैं। तो अगर मैं सभी forces का moment या तो point A पे या B पे रख लूँ और उसको zero के equal put कर दूँ, तो शायद मैं RA या RB में से कोई एक reactions निकाल सकता हूँ। चलिए कोशिश करके देखते हैं। लेट्स से मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एट पॉइंट बी विल बी इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि पॉइंट बी पे जो है वो एक रोलर सपोर्ट है और उस पर रोटेशनल रिएक्शंस नहीं प्रोड्यूस होते, तो जो मोमेंट है सभी फोर्सेस का बी पॉइंट पे वो ज़ीरो होगा। सो अब अगर बी पॉइंट पे हम सभी फोर्सेस का मोमेंट लेंगे तो हमें साइन कन्वेंशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो पॉइंट बी पे अगर मैं कोई क्लॉकवाइज सर्कल ड्रॉ करूं, तो उस क्लॉकवाइज सर्कल की डायरेक्शन में जो फोर्सेस होंगी उनका मोमेंट पॉजिटिव होगा, और जो अपोजिट होंगी उसके उनका मोमेंट नेगेटिव होगा। तो आर ए जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है, और मोमेंट क्या होता है लोड इनटू डिस्टेंस, दैट इज आर ए इनटू 10 माइनस, चूँकि जो ये 70 किलो न्यूटन 100 किलो न्यूटन और 50 किलो न्यूटन है ये अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रही हैं तो इनका जो मोमेंट है वो नेगेटिव होगा, माइनस 70 इनटू 8 माइनस 100 इंटू 5 माइनस 50 इंटू 3 विल बी इक्वल टू 0। अब आप सोच रहे हो कि मैंने आर बी क्यों नहीं लिया, अब आर बी तो 0 डिस्टेंस पे है पॉइंट बी से, तो आर बी इंटू 0 तो 0 ही होगा ऑलरेडी। तो अब इस इक्वेशन में केवल मेरे पास एक अननोन है जो कि है आर ए, और उस आर ए को मैं अगर फाइंड आउट करूँ और सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो जो आर ए की वैल्यू आएगी वो आएगी 121 किलो न्यूटन। अब जो हमने पहले वाली इक्वेशन निकाली थी आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू 220 किलो न्यूटन, इसमें मैं आर ए की वैल्यू पुट कर दूं तो मैं आर बी की वैल्यू निकाल सकता हूं। आर ए की वैल्यू पुट करने के बाद जो आर बी की वैल्यू आएगी वो आएगी 99 किलो न्यूटन। आई होप ये क्वेश्चन करने के बाद आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। अगर आप लोगों को अभी भी नहीं समझ आ रहा तो आप प्लीज़ मुझे ईमेल करिए, मुझे कमेंट्स में पूछिए, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो उनके लिए बना रहा हूँ जिनको कुछ भी नहीं पता शीयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के बारे में। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तब हम एडवांस क्वेश्चंस भी करेंगे, बट अभी तक हमने यही सीखा कि साइन कन्वेंशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं और सपोर्ट पे रिएक्शंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम का शीयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है एक सिंपली सपोर्टेड बीम ए बी जिसमें पॉइंट सी और डी पे 3 और 6 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। इस बीम की लेंथ है 6 मीटर और सभी पॉइंट्स के बीच में 2-2 मीटर का गैप है, और हमें फाइंड आउट करना है कि ए बी सी और डी पे शीयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप है वो तो है सपोर्ट्स पे रिएक्शन निकालना।
तो फाइंड आउट करते हैं कि ए और बी पे क्या रिएक्शंस लगेंगे। तो बीम पे लग रहा है 3 किलोन्यूटन और 6 किलोन्यूटन का लोड सी और डी पॉइंट पे, इसका मतलब टोटल 9 किलोन्यूटन का लोड लग रहा है, इसके अलावा कोई लोड नहीं लग रहा। और रिएक्शंस हमारे पास दो, आर ए और आर बी, इट मीन्स आर ए प्लस आर बी विल बी इक्वल टू 9। बट इस इक्वेशन से हम आर ए और आर बी की वैल्यू नहीं निकाल सकते, हमें एक और इक्वेशन की ज़रूरत है जिसके लिए हम मोमेंट्स की इक्वेशन का यूज़ करेंगे किसी सपोर्ट पे। तो टेकिंग मोमेंट्स अबाउट पॉइंट ए, वी विल गेट 3 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 4 माइनस आर बी इंटू 6, दैट विल बी इक्वल टू 0। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे आए, वही चीज़ है क्लॉकवाइज सर्कल वाली। अगर मैं ए पॉइंट पे एक क्लॉकवाइज सर्कल ड्रॉ करूं तो जो 3 और 6 किलो न्यूटन की जो लोड हैं वो सर्कल की मूवमेंट की डायरेक्शन में पॉइंट कर रही हैं, और जो आर बी पे जो रिएक्शन लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी आर बी की वो आएगी 30/6, दैट इज़ 5 किलो न्यूटन। अब अगर आर बी की वैल्यू को मैं ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दूँ तो आर ए की वैल्यू क्या आएगी, 9-5, दैट इज़ 4 किलो न्यूटन। तो आर ए की वैल्यू हो गई 4 किलो न्यूटन और आर बी की वैल्यू हो गई 5 किलो न्यूटन। तो सपोर्ट्स में हमने रिएक्शन निकाल लिए। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है शीयर फोर्स फाइंड आउट करना पॉइंट ए बी सी और डी पे। उसके लिए हम देखेंगे कि ए सी स्पैन पे कितनी शीयर फोर्स लग रही है, सी डी स्पैन पे कितनी शीयर फोर्स लग रही है और डी बी स्पैन पे कितनी शीयर फोर्स लग रही है। तो अगर ए और सी के बीच में कोई सेक्शन कट करूं तो या तो मैं राइट हैंड साइड वाली फोर्सेस का यूज़ कर सकता हूं या मैं लेफ्ट हैंड साइड वाली, एक ही बात है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे ए की रिएक्शन लग रहा है तो मैं उसी का यूज़ करता हूं। अब ए सी सेक्शन पे लेफ्ट हैंड साइड पे 4 किलो न्यूटन का अपवर्ड रिएक्शन लग रहा है, सिंस ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो जो वैल्यू आएगी शीयर फोर्स की वो पॉजिटिव होगी। इट मीन्स ए से लेकर सी के बीच में 4 किलो न्यूटन की शीयर फोर्स लगेगी। अब अगर मैं सी डी के बीच में कोई सेक्शन कट करूं और लेफ्ट हैंड साइड वाली फोर्सेस को देखूं तो जो रिएक्शन लग रहा है ए पे वो तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन जो सी पॉइंट पे लोड लग रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है। तो 4-3, दैट विल बी 1 किलो न्यूटन। तो सी से लेके डी के बीच में 1 किलो न्यूटन की शेयर फोर्स रहेगी। नाउ डी बी के बीच में अगर मैं कोई सेक्शन कट करूं, सिंस मैं लेफ्ट हैंड साइड वाली फोर्सेज को ही चूज़ कर रहा हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड वाली फोर्सेज को ही चूज़ करते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिएक्शन लग रहा है आर ए पे 4 किलो न्यूटन का, सी पे डाउनवर्ड फोर्स लग रही है 3 किलो न्यूटन की, और डी पे अगेन डाउनवर्ड फोर्स लग रही है 6 किलो न्यूटन की जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी शीयर फोर्स की डी और बी के बीच में वो होगी 4-3-6, दैट इज़ 4-9 विल बी इक्वल टू -5 किलो न्यूटन। अब -5 का मतलब है ये जो डायग्राम है ये ए बी जो लाइन है इससे नीचे चला जाएगा, मतलब ये जो शेयर फोर्स होगी वो नेगेटिव शेयर फोर्स होगी। तो ये जो डायग्राम बनेगा ये बनेगा शेयर फोर्स डायग्राम इस ए बी बीम का। तो ए सेक्शन पे 4 किलो न्यूटन की फोर्स लग रही थी अपवर्ड डायरेक्शन में, फिर उसमें 3 किलो न्यूटन का ड्रॉप आ गया, फिर उसमें 6 किलो न्यूटन का ड्रॉप आ गया, फिर उसमें 5 किलो न्यूटन का अपवर्ड रिएक्शन आ गया। सो दिस इज़ द शेयर फोर्स डायग्राम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेंडिंग मोमेंट एट डिफरेंट प्लेसेस इन दिस बीम। अब यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो ए और बी सपोर्ट्स पे जो बेंडिंग मोमेंट है वो तो ऑलरेडी ज़ीरो होगा। तो हमें फाइंड आउट करने की ज़रूरत है पॉइंट सी और डी पे। अब एम ए इज़ ऑलरेडी इक्वल टू ज़ीरो, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एम सी। सो टेकिंग मोमेंट्स एट पॉइंट सी, अब आप मोमेंट्स ले सकते हो या तो राइट हैंड साइड वाली फोर्सेस के या लेफ्ट हैंड साइड वाली फोर्सेस के, वो आपकी मर्जी है। आंसर जो है वो राइट हैंड साइड से भी सेम आएगा और लेफ्ट हैंड साइड से भी सेम आएगा, बट जो साइन कन्वेंशन का रूल है वो हमें अप्लाई करके चलना है। तो सिंपलिसिटी के लिए मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड वाली फोर्स को लूँ तो एक रिएक्शन लग रहा है 4 किलो न्यूटन का अपवर्ड डायरेक्शन में, और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या आती है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो 4 इंटू 2, सिंस ये जो रिएक्शन है ये पॉजिटिव रिएक्शन है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है, तो 4 इंटू 2 विल बी इक्वल टू 8 किलो न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे एक पॉइंट लगा देते हैं 8 किलो न्यूटन मीटर का। नाउ मूविंग टू पॉइंट डी, क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड साइड को ही ले रहा हूँ तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को चूज़ करता हूँ। सो टेकिंग मोमेंट्स अबाउट पॉइंट डी फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज आर ए इंटू 4-3 इंटू 2। आर ए की वैल्यू कितनी है 4 किलो न्यूटन, तो 4 इंटू 4 हो जाएगा 16, माइनस 3 इंटू 2 वो हो जाएगा 6, तो 16-6 हो गया 10 किलो न्यूटन पॉजिटिव। तो पॉइंट डी पे एक 10 किलो न्यूटन मीटर का पॉइंट लगा देता हूँ। नाउ अब मुझे पता है कि बी पॉइंट पे तो जो मोमेंट है वो ज़ीरो होगा ही ऑलरेडी, तो जो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। और जो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आता है इसका मतलब जो हमारी बीम है वो सैगिंग की कंडीशन में है,
और इसकी जो कनकेविटी है वो अपवर्ड्स है। सो बेंडिंग मोमेंट एट ए सेक्शन xx इज द रिजल्टेंट एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स कॉज्ड बाय ट्रांसवर्स फोर्सेस आइदर फ्रॉम द लेफ्ट और टू द राइट ऑफ द सेक्शन। आई होप आपको अब इस लाइन का मतलब कुछ कुछ समझ आने लग गया होगा कि इस लाइन का क्या मतलब होता है। तो अगर मैं इस वीडियो की समरी करूं, तो आज हमने पढ़ा कि बीम को कैसे एनालाइज करते हैं, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के साइन कन्वेंशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, सपोर्ट्स पे रिएक्शंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, और शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं एक सिंपली सपोर्टेड बीम का जिस पर पॉइंट लोड लग रहा होता है। अगर इस वीडियो को देखने के बाद अभी भी आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो आप मुझे भेजिए, मैं उनको जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूँगा। मुझे कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछिए, आई विल ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज आई कैन। आने वाली वीडियोस में हम डिफरेंट तरह की बीम्स को सॉल्व करेंगे, जैसे कि पॉइंट लोड और UDL के कॉम्बिनेशन को, UDL या UVL के कॉम्बिनेशन को, इंटरनल हिंज को, कपल्स को, इंटरनल कपल्स को, कपल्स के साथ जो लोडिंग लगी होती है, या शियर फोर्स डायग्राम को देख के उसका लोडिंग डायग्राम कैसे बनाना होता है। तो इन तरह की वीडियोस को हम देखेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। आप लोग पढ़ते रहिए, अपने JEE IES और गेट की तैयारी चालू रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द पेट्रियन लिंक गिवन इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन।